हेलो दोस्तों, तो आज जो हम लोग आए हैं धोपेश्वर धोपेश्वर नाथ मंदिर घूमने के लिए, ये मेरा छोटा भाई है करण, ये अविरल भैया, ये सुमित भैया, ये लोग भी आए हैं। इनका भी यूट्यूब चैनल है जिसपे सारी प्रॉपर जितने भी मंदिर हैं बरेली के और बरेली के बाहर, वो सारे मंदिर आपको देखने के लिए, विजिट करने के लिए मिल जाएंगे। तो आप भैया का चैनल चेक कर सकते हो, भैया अपने चैनल के बारे में बता देंगे। भैया बताइए कौन अविरल सा चैनल। धार्मिक एकेडमी के नाम से है मेरा चैनल, जिसमें मैं सारे मंदिर की विजिट कराऊंगा बरेली के अंदर, उसके बाद बरेली के बाहर। तो जैसा कि आपने नाम सुन लिया होगा, इसके अलावा भैया का चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके चैनल जरूर चेक करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो चलिए अब दिखाते हैं हम आपको धोपेश्वर नाथ मंदिर, और इसकी डिटेल बताते हैं कि ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पे जो शिवलिंग है वो कई हज़ार साल पुरानी है। तो वो सारी डिटेल और यहाँ की कहानी अब आपको बताते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों ये है धोपेश्वर नाथ मंदिर, ये बरेली में कैंट में पड़ता है। इसका एड्रेस आपको लिंक में मिल जाएगा, अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको मंदिर के अंदर के दृश्य। ये इस तरह से यहाँ पे प्रसाद की और कुछ खाने पीने की दुकानें इन लोगों ने लगा रखी हैं। सुबह और शाम का टाइम बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ पर, बहुत काफ़ी भीड़ होती है, इसीलिए हम लोग थोड़ा दोपहर में आए हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग बाहर आ गए हैं प्रसाद लेने के लिए, चाचा जी से हम प्रसाद ले रहे हैं। चाचा जी, इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए, क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की? वो पहले ना सब बता देगा वो। अच्छा, उसमें सारी चीजें हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। राम राज्य कब हुआ था? अच्छा, करते हैं। अच्छा, राम राज्य से ही ये मंदिर है, पुराना शिवलिंग जो है वो उतना पुराना है। तो चलिए हम लोग प्रसाद राम में जो मूर्ति बनी है। अच्छा, तपस्या की। अच्छा, तो प्रसाद ले लीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, प्रसाद की थाली में सारी चीजें हमें मिल रही हैं। इसमें फूल है, मिठाई है, प्रसाद है, दिया है, और ये काय का पता होता है, धतूरे का, चंदन और धतूरे का पत्ता है ये जो अंदर मंदिर में चढ़ेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेन द्वार है मंदिर का। यहाँ से अब हम लोग चलते हैं अंदर, आपको शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। और यहाँ पर एक इन्होंने माइलस्टोन टाइप का बना रखा है, उसमें सारी जानकारी है, वो जानकारी आपको देते हैं। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। लीजिए दोस्तों, आप दर्शन करिए बाबा धोपेश्वर नाथ जी के। हर हर महादेव। हम लोग आ चुके हैं बाबा के दरबार में, और पंडित जी से मुलाकात हुई हमारी, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और यहाँ का इतिहास बताया कि कितनी पुरानी मूर्ति है और कैसे कैसे यहाँ हिंदी लोगों ने यहाँ पर अपना प्रचार किया है धर्म का। और पंडित जी यहाँ पर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जैसा कि हमारा समाज पीछे होता जा रहा है, छूटता जा रहा है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, एक कदम आप भी आगे बढ़ाइए। तो बाबा की पहले हम पूजा कर लेते हैं, तो पंडित जी से जान के यहाँ का भी इतिहास है, तो स्टार्ट करते हैं पूजा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
पंडित जी से जानते हैं यहाँ का इतिहास, जो भी इतिहास यहाँ का रहा है, जो भी शिवलिंग के बारे में वो जानते हैं। ये बाबा बरेली कैंट विश्वनाथ मंदिर है और यहाँ पर बाबा धूम ऋषि ने तप किया था और जिनके तब से भगवान प्रसन्न होते उन्होंने शिव जी की उपासना में करी। उपासना में शिवलिंग का आवाज को प्रकट हुए जमीन में सकते हैं तो यह उन्हीं के नाम से बाबा धूम विश्वनाथ है और जो 40 दिन यहाँ पर सामने में पूजा करता हूँ उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और ये भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी हिंदू हो मुसलमान हो, हर कास्ट का यहाँ आदमी आता है, स्नान करने आता है, हिंदू से ज़्यादा महिला भी आते हैं मुसलमान लोग यहाँ पे। तो ये बड़ा धर्म की अच्छी बात है, धर्म को जाने को तो बड़ा अच्छा लगा और आज के भी बच्चे पूजा पाठ में धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और आप लोग बहुत बड़ा खुश हुआ आप लोग जो चैनल बनाया तो विश्वनाथ जी का आपने, बहुत अच्छी बात है। आपको भगवान तरक्की दे और हमारी कोशिश ये रहेगी आपको सब लोग लाइक करें इस चैनल का। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बाबा जोशीनाथ की मनोकामना पूर्ण करें। और महाराज जी आपने उसके बारे में बताया था जो पुण्य। हाँ, आपको कभी भी अगर शरीर से पूरी चंद्र हो गए काली खांसी पूरी चंद्र हो जाती सरोवर में स्नान करने से आपके सरोवर घूमते हैं और बाबा माता रानी के यहाँ पर बढ़िया पोखरा देवी और नैसती देवी के दर्शन और प्रसाद चढ़ाने से आपके बृहस्पति बाग के दिन इतना बृहस्पति दिन होता है और बृहस्पति वाले दिन स्नान करके आदमी के चंद्र लोग दूर होते हैं। जय माता शक्ति। और आपको कोई ऐसे वैष्णो देवी को नहीं जा पाता तो आप यहाँ वैष्णो देवी का दरबार भी बनाएगा तो आदमी वैष्णो देवी नहीं जा पाता तो यहाँ पर दर्शन करने आता है, माता रानी के दर्शन विश्वास करनी है वैष्णो देवी की। यहाँ कई प्रकार के मंदिर रहेंगे स्थापित रहेंगे और यहाँ गरुड़ामा मंदिर बनी है, अखाड़ा भी है, हनुमान अखाड़ा है, यहाँ बहुत कुछ है। बाबा के ऐसे बसाई हुई नगरी है कि आप मन प्रसन्न हो जाएगा। आप हम तो कहते हैं सब लोग आइए, आप लोग एक बार दर्शन करके जरूर जाइए बाबा जोशीनाथ नाथते, आपकी भगवान मनोकामना पूर्ण कर सकते। इसका बिल पत्ता तो बहुत बड़ा मात्र है, अब वो बात करते हैं तीन देशों के राय से तीन देशों आठ मिलेगा फोर फोर पे तीन ही होती, किसी पे चार मिलेगी पंचमुखी भी मिलेगी मिलती है हजारों में एक पंचमों की और पंचमुखी मिलती है। जब इसे बिल पत्र ना कि तीन नेत्रम बिल पत्र में पाप आसम और पाप संगा एक बिल पत्र लाने से वो पाप कटती है और वो मनोकामना पूर्ण होती है। और इधर अपने विश्वनाथ में जो सरोवर है इसमें स्नान करने से चर्म रोग भी होते हैं, वो भी आपके शरीर में काली खसरा खांसी वो भी चर्म हो जाता है शरीर से, वो भी दाग धब्बे इसमें स्नान करिए। यहाँ खोटा देवी का मंदिर है पीपल के नीचे, पीपल के नीचे मिठिया है, एक राय शक्ति देवी का मंदिर है उनका, इनका सावन के बाद मेला लगता है बहुत भारी, एक दिन में कम से कम आती होगी 15,000 रुपये, उससे कम नहीं आती होगी क्योंकि देहात का गाँव का लगता है। और ये बाबा भविष्यनाथ साक्षात विद्वान स्थापित नहीं है मंदिर, हमने जो सात नाथ हैं सातों नाथ हैं, सात में तो चार ही हैं पुराने हर एक पुणे वालों और स्थापित हैं चार कौन कौन से विश्वनाथ बरखंडीनाथ अलगनाथ अलगनाथ जल के नीचे है, बरखंडीनाथ भी ये पांडव टाइम के मंदिर है चारों। भैया पांडव पुत्र जी आए थे या जंगल थे, इन जंगल में तब तपस्या करी थी पांडव पुत्रों ने तो हमने उपासना करी थी भोलेनाथ की, कोई जैसे रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो कहीं कहीं ध्यान मंदिर है तो आज्ञा तो नीचे ली जाती कोई भी पूजा संस्कार होता है लेकिन सिर्फ परिवार के ऊपर तो पूजा नहीं है। सब प्रथम जो बैठे गणेश भगवान सिर्फ परिवार बैठे पूजा के ऐसा ना बाबा भोलेनाथ की कृपा ही सब प्रथम इसलिए पूजा जाता है। अगर भोलेनाथ की कोई आपकी पूजा संपन्न नहीं होगी आप सोच की मेरी पूजा संपन्न है, भोलेनाथ की शुरुआत इनसे ही होगी। और यहाँ तो जो अत्र ऋषि थे अत्र ऋषि जी के चेले धूम ऋषि जी यहाँ धोपेश्वरनाथ को उन्होंने तपस्या करी तो उन्हीं के नाम से बाबा धोपेश्वरनाथ मंदिर है। जो सरोवर में मूर्ति लगी है ये धूम ऋषि जी की मूर्ति लगाई गई है। और यहाँ तो बड़ी कहानी कहानी आस्था है जो निशान है जो ये सब चेले जमाटे में गंजा मारा था एक बार उठा के बताते खून की धारा बहने लगी हमारी पांच भी पीढ़ी चल रही लगा लो कितनी हो गई थी बोले
ये इसी मंदिर में माता रानी के लिए भी दरबार दे रखा है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। और इस तरफ हमारे भोले बाबा, और इन्हीं के पास में ब्रह्मदेव महाराज विराजमान हैं। इसके पीछे ही जलकुंड बना रखा है जो पंडित जी ने भी बताया था। अब आपको दिखाते हैं जलकुंड, जिसमें महाराज जी ने बताया कि नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, और अगर आपको कोई चरम रोग है या आपको कोई बीमारी है शरीर से रिलेटेड, शरीर से जुड़ी हुई, तो इस कुंड में नहाने से आपके सारे जो पाप परेशानी हैं, जो दुख हैं और जो बीमारियां हैं, वो सारी दूर होती हैं। तो यही वो तालाब है जो कुंड बना रखा है। ये है वो प्यारा अति सुंदर कुंड। इसमें अभी थोड़ी देर पहले बच्चे कुछ नहा भी रहे थे, अब दोपहर का टाइम है इसलिए हट गए हैं। तो यहाँ पर ये कुंड बना रखा है। ये जो ऋषि जी की अभी कहानी आपको महाराज जी ने बताई थी, वो इन्हीं की कहानी थी जिन्होंने यहाँ पाठ किया था। उन्हीं की मूर्ति यहाँ बीच में विराजमान कर रखी है। उसके पीछे हमारे संकटमोचन भगवान हनुमान जी, उन्हें भी यहाँ स्थान दिया हुआ है। तो दोस्तों यही वो पेड़ है जो महाराज जी हमें बता रहे थे, 300 साल पुराना पेड़ है, जो बरगद का पेड़ है। इसी के साथ में नीम का पेड़ भी है और पीपल का पेड़ भी है, और इसके साथ में अर्धनारी के रूप में शिव शंभुनाथ की मूर्ति वाटिका बना रखी है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप, बुधवार, शुक्रवार, सूर्य, मंगल, बृहस्पति देव, शनि देव, राहु, केतु, सभी को यहाँ स्थान दे रखा है। और इसके पीछे ही जो आपको बताया था अखाड़ा, वो यहाँ पर अखाड़ा बना रखा है। ये राम राज्य के टाइम का मंदिर है, तभी से उपस्थित है यहाँ पर। ये वाटिका बना रखी है मंदिर के पीछे, पार्क टाइप का बना रखा है। तो यही है वो अखाड़ा। दोस्तों ये है राम राज्य का समय का अखाड़ा, बताते हैं यहाँ पे हनुमान जी और भीम के समय का ये अखाड़ा है। तो हो सकता है वही लोग यहाँ पर बर्जेस वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करते हों, तो यहाँ पे हमारे करण भाई कुछ एक्सरसाइज के टिप देते हुए। तो यहाँ पे करण भाई जिम करते हैं, तो कुछ दृश्य दिखाते हुए और टिप्स देते हुए। और सुमित भाई आप भी कर लो थोड़ी बर्जेस वगैरह एक्सरसाइज वगैरह, अपनी कमजोरी का राज बताएं। कमजोरी का राज मैं ये नहीं कर पाता हूँ। ये नहीं कर पाते हैं जो करण भाई कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर से आगे वाली गली, उसी हैंड पे ट्रांसफार्मर से आगे वाली। तो यहाँ पीछे गर्भ गुफा बना रखी है, और ये शनिदेव महाराज का मंदिर है। कई एक मंदिर यहाँ पर हैं जो यहाँ पर स्थान दे रखा है। आप जिस भी ईश्वर को, जिस भगवान को मानते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, वो सारे भगवान आपको यहाँ मिल जाएंगे। एक यहाँ छोटा सा मंदिर है, एक यहाँ पर मंदिर है, ये सारे मंदिर बना रखे हैं छोटे छोटे। यहाँ पर मंदिर है, काफ़ी सारे मंदिर यहाँ पर बना रखे हैं दोस्तों। अगर आप टाइम से आएँ तो लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे आपको लग जाएंगे, अगर आप ठीक तरीके से अगर दर्शन करते हैं तो, श्रद्धा के साथ। तो दोस्तों यही वो कुंड है जो अभी महाराज जी ने अंदर आपको बताया था।
कि इसमें नहाने से जितने भी चर्म रोग हैं या शरीर से जुड़े हुए रोग हैं वो सारे दूर होते हैं, कई प्रकार की खांसी बीमारी वो सारी दूर होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो एक बार स्नान करके ज़रूर देखें, आपको लाभ मिलेगा। जो यहाँ की आस्था है, जो परंपरा है, उसे आप एक बार ज़रूर देखिए। मैं तो चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप एक बार यहाँ पर आकर दर्शन ज़रूर करिए, कि मन को जो शांति मिलती है यहाँ पर आकर वो आप केवल आकर ही देख सकते हैं। तो अगर आप आसपास के रहने वाले हैं तो ज़रूर देखिए, और अगर कहीं बाहर से अगर आप देख रहे हैं इस मंदिर को और हो सकता है तो आप आकर देखिए, वरना आपके स्थान पर भी ऐसे कई एक मंदिर होंगे तो आपको मंदिर में जाके जो संतुष्टि मिलेगी वो आप तभी महसूस कर सकते हैं, मेरे बताने से या मेरे दिखाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोग आज यहाँ पर व्लॉग शूट ही कर रहे थे तो हमारे भाई हैं, इन्होंने हमारा चैनल देख रखा है और सब्सक्राइब भी कर रखा है। तो भाई, आपने हमारी कोई वीडियो देखी है? अच्छा, अभी देख रहे हैं और चैनल देख चुके हैं। तो यहाँ के मंदिर, आप यहीं पे शॉप लगाते हैं, आपकी दुकान यहीं है? और कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ नहीं, बस ये है कि आप लोग यहाँ वीडियो बनाए, बड़ा अच्छा लगा, और इसके बारे में ये और प्रसिद्ध होगा ये मंदिर। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। तो एक बार कह दिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और खाने पीने के लिए अगर आपको मंदिर के पास में कोई भी चीज़ चाहिए तो यहाँ सब मिल जाएगी, आप कृपया यहाँ ज़रूर आएँ। भाई का दिल बहुत अच्छा है, एक बार मिले इनसे ज़रूर। और भाई की शॉप बिल्कुल ठीक गेट के बिल्कुल ठीक सामने है, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी ढूंढने में। तो एक बार अगर आप आएँ तो भाई से भी ज़रूर मिलें। भाई नाम क्या है आपका? शिवम। शिवम भाई से ज़रूर आके मिलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एक धोपेश्वर नाथ मंदिर कवर कर लिए हैं, और यहाँ मैं कोशिश करूँगा, जो हमारे यहाँ 7 नाथ हैं जिसके वजह से हमारे यहाँ बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है, तो उसमें जितने भी नाथ हैं वो सारे कवर करने की कोशिश करूँगा। और आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हो, 7 नाथ के नाम से या नाथ नगरी के नाम से मैं प्लेलिस्ट बना दूँगा, उसमें आपको 7 नाथ की वीडियो मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।